6 inches by 7.5 inch का एक क्विल्टेड पीस लिया है और अब ये जो पैटर्न है वो मैं क्विल्टेड पीस पे ड्रॉ करूंगी। अब यहां पे सिलाई करनी है हमें बॉर्डर्स पे। अब यहां से काट लेना है। लाइनिंग के पीस को भी ऐसे ही काटना है। अब इसे सेपरेट कर लेंगे हम और यहां से यहां तक ये और ये हिस्सा यहां से यहां तक। अब इसे प्लेस करना है और यहां पे सिलाई। अब यहां से सीधा करेंगे हम उसे और यहां पे एक एक दाब सिलाई। अब रनर डालेंगे। यहां से निकाल के फिर से इंसर्ट करेंगे इस तरह से और अब यहां पे फैलाना है और यहां पे एक एक स्टिच करनी है और यहां पे एक सिलाई। मैंने यहाँ पे एक क्विल्टेड पीस लिया है जो 13 इंचेस बाय 7 इंच का है, 13 इंच बाय 7 इंचेस का और उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस है और यहाँ पे मैंने 7 इंचेस की जिप ली है और यहाँ पे 7 इंचेस बाय 1.5 इंच की मैंने एक पट्टी ली है और 4 फोल्ड करके मैं उसे यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई करूंगी और इसे हम 2 हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से। और अब यहां पे मैं इसे जिप अटैच करूंगी, उसके लिए पहले जिप को सेपरेट करेंगे। इस ओर भी उसी तरह से। और अब यहां से हम उसे सीधा करेंगे और यहां पे दाब सिलाई। और अब हम इसमें रनर डालेंगे इस तरह से और यहां पे हम उसका सेंटर का मार्किंग करेंगे। अब इस तरह से यहां पे सेंटर का मार्किंग और यहां पे भी कर दिया। अब ये जो हमारा जिप का मिडिल का पोर्शन है इसे हम सेंटर की मार्किंग पे मैच करेंगे इस तरह से और यहां चारों
जो पॉइंट्स हमारे हैं वहां पे भी हम मार्किंग करेंगे। और अब पहले ये जो हमने पट्टियां बनाई हैं उन्हें हम यहाँ जिप के ऊपर अंदर की तरफ सिल देंगे इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा साइड में हम करेंगे और इस तरह से रख के वहां पे हम उसे स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से हमें मैच करना है दोनों जो हमारे सिरे हैं उसे इस तरह से। और ये जो हमने मार्किंग की है उसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे यहाँ पे जहाँ पे हमारा जॉइंट है वहां तक हम उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जहां तक हमारा फोल्ड है पहला यहाँ आपका वहां तक हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इस ओर भी उसी तरह से। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम एक एक सिलाई करेंगे। और यहाँ पे अब हम उसे पाइपिंग लगाएंगे साइड से। तो इस तरह से दो पट्टियां मैंने ली है। अब हम इसे डायरेक्टली इसी तरह से रखेंगे। और यहां से अब हम उसे सीधा करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्विल्टेड पीस लिया है। इसका मेजरमेंट है 10 इंचेस बाय 5 इंच और उतने ही मेजरमेंट का मैंने लाइनिंग का पीस लिया है और 5 इंच की जिप ली है। अब यहाँ और यहाँ 5 इंच की तरफ से मैं उसे जिप अटैच करूंगी। सीधा करेंगे और दाब सिलाई करेंगे दोनों ओर। अब यहां पे मैं उसमें रनर डालूंगी यहां से और फिर से यहां से डालना है यहां पे। और अब हमें इसे इस तरह से अलग कर लेना है इस तरह से। और देखिए ये हमारी मिडिल की मार्किंग है। अब ये जो हमारी सेंटर की मार्किंग है वहां पे हमें जिप को पहले मैच करना है दोनों ओर से। इस तरह से इस तरह से और उसी तरह से इसे भी हम यहां पे देखिए। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया लाइनिंग का पीस भी और क्विल्टेड पीस भी। अब हमें यहां पे एक सिलाई करनी है। जिस ओर से हमने रनर डाला है तो ऊपर की तरफ रनर बंद होगा तो ये हमारा नीचे का हिस्सा है। तो मैंने इस ओर से रनर डाला है तो इसलिए यहां से तो यहां पे मैं उसे एक सिलाई करूंगी। अब यहां पे सीधी सिलाई मैं उसे कर दूंगी एक यहां पे। और अब यहां पे हम कॉर्नर पे
आधा आधा इंच सिलाई से ऊपर आधा इंच और इस तरफ से आधा इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये अंदाजे से 1.25 सेंटीमीटर होता है और ये हम काट लेंगे यहाँ पे। इस तरह से और ये भी काटना है और ये भी। अब यहाँ पे इस तरह इसे फैलाना है और ये इस ओर से फैलेगा, देखिए इस तरफ से ऊपर की तरफ ये यहां से फैलेगा और इस ओर से ये, और ये दोनों को हमें साथ में सिल देना है। और इसी तरह से इस ओर भी, इस तरह से दोनों कॉर्नर्स हमने सिल दिए। और अब यहां से हम उसे इस तरह से, ये यहां पे कवर हो गया हमारा इस तरह से, और यहां से हम उसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये नीचे का हिस्सा सिल के तैयार हो गया। और अब इस तरह से हम उसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे, एक एक इंच का हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे इस तरह से, और ये जो हमारी पट्टी है उसे हम लूप बनाएंगे इस तरह से फोल्ड करके। ये इस तरह से हमने लूप बना लिया। अब इस लूप को हम यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे और तभी ये जो हमारी पाइपिंग है वो यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे। और अब यहाँ पे इस तरह हम उसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्टिच करके जोड़ देंगे और तभी ये इस तरह ऊपर आएगा। तो आज का ये प्यारा सा वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।